दोस्तों ये बॉडी वॉश मैंने आपके लिए बनाया है। आप दोस्तों इस बॉडी वॉश को यूज़ करके अपनी गर्दन, कोहनियाँ, घुटने और जो भी टैनिंग है उसको आप इससे दूर कर सकते हैं, उसका कालापन इससे दूर कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप इसको बनाइए मेरे बताए गए नुक्ते के अनुसार और इसको यूज़ कीजिए। दोस्तों मौसम चाहे कोई भी हो, हर महिला यही चाहती है कि उसकी स्किन हमेशा खिली खिली रहे, तो ये बॉडी वॉश आप ज़रूर अपनाइए और मुझे ज़रूर बताइए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अपना ख्याल बहुत अच्छी तरह से रख रहे होंगे। दोस्तों चेहरे का ख्याल तो सभी रखते हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन पूरे बॉडी का ध्यान कोई नहीं रखता। बस साबुन लगाया, नहाया जल्दी जल्दी और हो गया। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बॉडी वॉश, और वो भी अपने ही किचन से। चलिए बनाते हैं जल्दी जल्दी और देखते हैं हमको क्या क्या सामान लगेगा इसके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे चावल 4 चम्मच। चावल में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और फॉलिक एसिड पाया जाता है, जो कि झुर्रियों को हटाने में मदद करते हैं, और साथ में पता है त्वचा के ओपन पोर्स को बंद करने में भी मदद करते हैं। दोस्तों हम इसमें दूसरी चीज़ लेंगे, 4 चम्मच ही लेंगे शक्कर। हम इसमें मिलाते जाते क्योंकि हमको इसमें इन सबको पीसना है। दूसरी चीज़ हम लेंगे दोस्तों इसमें शक्कर। शक्कर क्या काम करती है दोस्तों, कि जो त्वचा पर जमी डेड स्किन होती है, डेड स्किन के सेल्स जो होते हैं वो सारे हट जाते हैं और त्वचा खिल जाती है। और दोस्तों हम इसमें तीसरी चीज़ लेंगे दोस्तों 4 चम्मच मसूर की दाल। दोस्तों मसूर की दाल से एक तो रंग गोरा होता है और दूसरे आपकी स्किन को इवन टोन करती है ये। हम इन तीनों को दोस्तों मिक्सर के छोटे वाले जार में पीस लेते हैं। और दोस्तों अभी जाइए नहीं, क्योंकि हमको इसमें 3 चीज़ें और मिलानी हैं। दोस्तों मैंने इसको बारीक पीस लिया है। अब दोस्तों मैं आपको इसमें 3 चीज़ें और क्या मिलाना है मैं वो आपको बताती हूँ, और अभी आपको लाइव करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों मैं अभी यूज़ करके दिखाने के लिए आपको 1 चम्मच ले रही हूँ ये पाउडर, और दूसरा हम इसमें मिलाएंगे 1 ही चम्मच कॉफ़ी पाउडर, और हम इसमें 1 चम्मच ही मिलाएंगे ऑरेंज पील पाउडर, संतरे के छिलटे का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। दोस्तों बारिश का मौसम चल रहा है, आप इस पाउडर को बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए, नहीं तो इसमें नमी आ जाएंगी। और अब हम इसको मिलाएंगे दही से। दही का कोई मेजरमेंट नहीं है दोस्तों, इसको इतना लीजिए कि यह एक अच्छा मिश्रण तैयार हो जाए। दोस्तों इसको मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है, और दोस्तों मैंने आपको संतरे के छिलटे का जो पाउडर है, ऑरेंज पील पाउडर, देख रहे हैं आप, जो मैंने हर्ब्स लैंड का लिया हुआ है, और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दोस्तों अब मैं आपको ये लगा के दिखा रही हूँ, देखिए आप मेरे हथेली पे। इसको हल्के हल्के हाथों से आप अपनी बॉडी पे लगाकर मसाज करिए, और दोस्तों इसको 5 मिनट तक हमको अपने
बॉडी पर ऐसे ही छोड़ देना है। दोस्तों मैंने इस मिश्रण को पीस कर छान लिया था, आप देख रहे हैं। दोस्तों अभी इसको 5 मिनट हो गए, मैं आपको इसको पोंछ के दिखाती हूँ गीले कपड़े से। और अब आप मेरे दोनों हाथों का फर्क देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने बॉडी का कलर अपने चेहरे से मैच करना चाहते हैं तो मेरे इस बनाए गए मिश्रण को ज़रूर लगाइए। ये फेस वॉश आप मुझे यूज़ करके ज़रूर बताइए, कमेंट्स कीजिए कि इसको लगाने से आपको कितना और क्या क्या फ़ायदा हुआ।